गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:20। मैं हो गया रेडी कि मैं अभी जा रहा हूँ काम पे, क्योंकि आज जाना पड़ रहा है। और काम से मैं निकलूंगा 2:00, फिर उसके बाद हम 3:00 निकल रहे हैं वेल्स के लिए, आज कल और परसों सुबह तक के लिए, क्योंकि हर्षिल जो है हमारा दोस्त वो संडे को इंडिया वापस जा रहा है हमेशा के लिए। तो उसने बोला भाई एक लास्ट ट्रिप कर, तो वेल्स जा रहे हैं हम लोग। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, ये लोग पहले जा चुके हैं। ट्रिप है गाइस, बहुत दिनों बाद ट्रिप है। तो मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, बैग पैक कपड़े में, मतलब बैग में कपड़े आ चुके, सब आ चुके। तो बस अभी मैं थोड़ा कुछ खाता हूँ, पीता हूँ, निकलता हूँ बस के लिए, क्योंकि मेरा जो घर के पास वाला बस स्टॉप है वो बंद है, तो मेरे को दूर वाले बस स्टॉप जाना। तो ये सब करते हैं, काम निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मैं सोचा कि व्लॉग चालू कर दूँ ताकि पता चले कि क्या सीन है क्या नहीं है। सो सी यू इन अ व्हाइल। हेलो गाइस, वेलकम बैक। बज रहे हैं अभी 2:20। काम से मैं निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ बस स्टॉप जो मुझे अभी टाउन लेके जाएगा गिलफर्ड। ये लोगों ने गाड़ी ले ली है, तो लग नहीं रहा है कि अभी तक कोई पहुँचा है गिलफर्ड। बस लेते हैं, जाते हैं, क्योंकि गिलफर्ड में पहुँचूँगा शायद 3:00 तक। 3:00 मैं पहुँचूँगा, फिर हम निकलेंगे, फिर हम आयशा को पिक करने जाएंगे उसकी जगह से, फिर रितिका को पिक करने जाएंगे ऑक्सफोर्ड, फिर निकलेंगे। तो देखते कैसे होता है क्या होता है। फिलहाल के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेल्स पहली बार ही जा रहे हैं और बस 2 दिन का ट्रिप है। पूरा बैग वैग सेट है, चश्मा वश्मा सेट है, ठंड भी सेट है, तो मज़ा आएगा। तो मज़ा साथ में करेंगे, क्योंकि व्लॉग भी साथ में मस्त बढ़िया बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग। तो अभी नेक्स्ट क्लिप जो आपको दिखेगा वो सीधा मैं इन लोग के साथ जब मिलूंगा तभी है। अच्छा लग रहा है, बड़ा है अच्छा खासा है। तो फाइनली ये लोग आए 2 घंटे के बाद। अभी तक तो मैं 2 बार बस लेके गिलफर्ड भी पहुंच जाता है। पहले ही मालूम होता ना हम लोग ऐसा, तो देखो पहले ही बोलते गिलफर्ड आ जा, तो पहले पिक कर तो गाड़कर भी बिठा देते। अरे चक्कर गया, वो मेरा 224 वाला बस कैंसिल हो गया, वो सीधा आकर आने वाला था 3:30-3:40 को। और हमें नहीं पता, अरे बड़ा अपात नहीं पता कितना लेट हो रहा है। हां मैं भाई पहले, क्योंकि प्रज्वल बोला हमारे लेने, तो मैं बोला ठीक है भाई आ जाओ। फिर क्रिस बोलता है नहीं भाई हमने मीशा को लिया और अब आयशा को लेने जा रहे, तो हर्षिल लेने आ रहा है, और इसको कॉल किया भाई साहब घर पे ही थे। दो महीने से काम किया, 2 महीने में कभी बस कैंसिल नहीं हुआ, आज ही कैंसिल हुआ, तो ये शगुन होता है ट्रिप चालू होने के पहले। रात को 11:30 तो मैंने एयरबीएनबी बुक किया है, पैसे ही नहीं आ रहे लोगों के मुझे तब तक। इतना इम्प्रोम्प्टू तो अपना गोवा ट्रिप भी नहीं होता है क्या, आज तो गया। तो ये वेल्स है, गोवा ही बना के जा रहे हैं हम तो। सब सही हो जाएगा, मैं तो शॉर्ट लाओ, कच्चे वच्चे लाओ, उधर वाटरफॉल में नहाएंगे। मैं इसी कच्चे उतारने आया हूँ। किसके? तेरे। भाई। चल भाई रात को करेंगे। मैं तो इसके लिए तेल भी रख लिया। तो आगे मिलते हैं, आगे देखिए होता है क्या। अभी हम लोग ने एक स्टॉप लिया है थोड़ा रिफ्यूल करने के लिए, क्योंकि आकाश भुक्कड़ है हमारा, भूख तो लगती है साले को, तभी पूरा ठूसेगा सब। हर्षिल को थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए था, क्योंकि गाड़ी इतना झटका देके गाड़ी चला रहा है साला। साला मेरे को पीस ऑफ माइंड नहीं चाहिए था, है झटके मार मार के चला रहा है। अरे ऐसा क्लच का आदत नहीं है, क्लच का आदत नहीं है, टाइम क्या कर रहे हो गाड़ी में। तो रिस्क नहीं लेना है लाइफ के साथ, आराम से जाना है, आराम से खाना है और बस पहुंच जाना है। देखो 3 घंटे तो अभी हम इंडियन स्नैक्स कॉर्नर पे आए, वड़ा पाव खाने 250 रुपये का, क्योंकि साले को वड़ा पाव खाना था, 20 मिनट का डिटोर किया हम लोगों ने। हम लोग का रीचिंग टाइम 10 था, अभी हम 10:30 पहुँच रहे, क्योंकि हमारे भुक्कड़ है। तो चलता है यार वड़ा पाव। वड़ा पाव लेके आ गए गाड़ी में, अभी हमारा ड्राइवर चलाएगा गाड़ी। कोई नहीं, मुंबई जा रहे हैं, इतना तो बनता ही है। वड़ा पाव साला माइक्रोवेव में गरम करके दिया है, वड़ा पाव लालच है। हाँ इतनी देर में हम इंडिया वाले जो ठेले वाले होते हैं, इतनी देर में कम से कम 10-15 बना के दे के खा के भी हो जाता, बट यूके और यूके के चोचले। कोई नहीं,
तो ठंडा फील हो रहा है इधर से फॉइल से। वो चले तो 12 बजे पहुंचा है हमको, बट अच्छा हर्षिल हमारा अच्छा राइडर प्रोवाइडर है, अच्छे से गाड़ी चला रहा है। वड़ा पाव दूसरा आखिरी वड़ा पाव यूके का, दो है मेरे पास आखिरी दो वड़ा पाव यूके के, फिर इंडिया के वड़ा पाव। कैसा था ऐसा ड्राइव? शट अप, हमारी आंखें नहीं है, मेरी गलती नहीं है, आकाश की गलती है। मेन रोड इधर जा रही है, वो हर्षिल बोला कि छोड़ो मैं तो सामने लिखा नहीं, हम लेफ्ट से घूम के आएंगे, ओ हम देखेंगे, सॉरी। ये होना ही था, लड़कियां और गाड़ियां सेम, जिसको गाड़ी चलाने आता ना उसकी होंगी। ये दोनों चंगू बंगू, ये पहले बोलते सर्विसेज सीधा है, बोलता फिर रहने दो, तुरंत कट मारा। राइडर प्रोवाइडर तो फिर करो ना यार, मैं एडिट मुझे करना है, ये इसकी गलती थी सारी। चुपे, अभी तू आगे बैठ भाई, तू बैठ आगे, हाँ तू आगे बैठ, अभी एक घंटा तू बैठ आगे। घर आ चुके हैं, घर के बाहर ये लोग चोरी करके घुसने की फिराक पे, रितिका से एक डब्बा नहीं खुल रहा है, हर्षिल फ्लैशलाइट उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। अबे लोग सच्ची में चोर समझेंगे, हमें चोर समझेंगे लोग, हमें चोर। बस भूत बंगले में आए हम, तो ये घर है हमारा। कैसा है घर? दिस इज द हॉल। क्रिश बोल रहे जस्ट पीछे कब्रिस्तान है। Not the first time. ये एक रूम, ये किचन, किचन अच्छा है, नाइस किचन, और नाइस रूम है ना। लाइट अच्छी कैसी लाइट है। घर ओवरऑल अच्छा है, पीछे गार्डन वार्डन है, सब कुछ है। अभी ऊपर जाके देखते हैं कैसा है, मैं अभी खाली नीचे का ही देखा हूँ। ये नॉट बैड, पहला कमरा खोलना, डरा दी। एक दो, ओपन द फर्स्ट डोर, ओपन द फर्स्ट डोर, दैट नो दैट रूम्स प्रीटी, व्हाई जस्ट डोंट वन ट्राई, यू ओपन इट, मैंने खोल के देख लिया। हां तो वापस खोलो, लेट चेक दिस वन, क्या? हां तो पीछे कब्रिस्तान है, कोई नहीं कोई नहीं। तुम्हें कौन सा रूम है? हम कोई भी एक रूम ले लेंगे। अच्छा बाथरूम भी ऊपर है, मैंने ये वाला ले लिया। हाँ मैं नीचे ही सो रहा हूँ। हाँ, वो वाले रूम में मैं और आयशा सो रहे हैं। तो हम लड़के नीचे, नीचे सब लड़कियाँ ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, दफना रहेगा किसको, बाजू में ही है। ए वॉर्डरूम खोल, अंदर जा, जाना ना अंदर, देख पूरा टनल है, जा जा जा, मैं नहीं जा रहा। अबे देख तो अंदर और भी कुछ है। मैं नहीं जा रहा। वो अलग ही वाइब है और ये अलग वाइब है। हम अपनी चाय बनाने में मसरूफ है और हम देख रहे हैं कि हमारा किचन जो है माशाल्लाह से कलर कोऑर्डिनेटेड है। इट फील्स लाइक हम आईकिया के स्टोर में है। टेरेंस फ्रॉम प्रॉपर्टी लाउंज, प्लीज टेक नोट्स। एंड देन वी हैव लाइक
प्यारे आई लाइक माई मग डार्क ग्रीन ये होता है मॉडल वॉक सब बिजी है दीदी भाई Up black windows when you go down You must be crazy if you think that I'ma slow down Don't wanna hear it talking shit from the drama Keep it coming, I'ma send you to your mama Mr. Whip, get the gun down Dropping bodies in the place till the sun's out Can't fuck with this, I'm going to try Just wait for the bullets fly, I'm the last one to die सुबह उठ चुके हैं बहुत पहले उठ चुके थे बट एक ही बातों में पूरे घर में तो बस ये दिक्कत है सब बारी बारी से बाथरूम जा रहे हैं मेरा बारी हो चुका है बट प्रेशर अभी आया है तो इसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ अंदर रितिका मैडम है वो निकल नहीं रही हैं हमको रेडियो के निकलना है ट्रैक पे वाटरफॉल पे कासल पे सब जगह निकलना है सोचा आके ही नहाऊंगा मैं टोपी पहन के जाऊँगा चश्मा पहन के जाऊँगा बस और आके नहाएंगे बस मैडम निकले हम हल्के हों थोड़ा नाश्ता वाश्ता करें फिर निकले तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और देखिए आगे आगे क्या होता है